Hello students, we are going to start chapter 1, maths exercise 1.5. chapter name is number system. इसके अंदर जो first question है उसमें हमें बताना है कि जो हमें नीचे numbers दिए गए हैं वो number rational है या फिर irrational है. हमें कोई calculation वगैरह नहीं करनी है, हमें simply इनको देख के बताना है कि ये number rational है या फिर irrational है. इन numbers को rational irrational करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी, आपको वो चीजें ध्यान में रखनी है, तब आप easily बता पाएंगे कि number rational है या फिर irrational है. सबसे पहले मान लिया आपके पास कोई भी rational number है और irrational number है. अगर उन दोनों को प्लस किया जाए, एक रैशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है, या फिर इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर आगे पीछे रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो जो भी हमेशा हमारा प्रोडक्ट आएगा, जो सम आएगा इनको सोल्व करने के बाद, वो हमेशा कैसा होगा? इरेशनल. मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर प्लस किया जाता है तो हमेशा जो हमारा सम आता है वो कैसा आता है? इरेशनल. इसी तरह अगर रैशनल और इरेशनल नंबर को क्या किया जाता है? सबट्रैक्ट किया जाता है, तब भी हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसा आएगा? हमारा इरेशनल. इसी तरह हमें प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई तीनों करके देखना है. इसी तरह अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है उसको आपने मल्टीप्लाई किया इरेशनल नंबर से, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? इरेशनल. सेम आपको एक रैशनल नंबर है उसको डिवाइड करना है इरेशनल नंबर के साथ, या इरेशनल को रैशनल नंबर के साथ डिवाइड करना है, तो भी आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा? इरेशनल. तो आपको चेक करना है प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में. अगर कहीं पे भी आपको इरेशनल नंबर नजर आता है तो आप उसको क्या बताएंगे? वो नंबर हमारा कैसा है? इरेशनल. तो आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आप चेक करेंगे. सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर है आपका फर्स्ट पार्ट 2 माइनस रूट 5. अब देखो रूट 5 मतलब 5 क्या? एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का जो स्क्वेयर रूट है वो क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है. तो ये हमारा कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर. और ये नंबर कैसा है? हमारा रैशनल नंबर, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1. अगर आपको भी मैंने बताया था इरेशनल और रैशनल को अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास कैसा आएगा? इरेशनल नंबर. तो ये नंबर कैसा है हमारा? 2 माइनस रूट 5 ये कैसा नंबर है हमारा? इरेशनल नंबर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23. ये ब्रैकेट के अंदर है, अगर इसकी हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23. रूट 23 क्या आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 3 को हम क्या लिख सकते हैं? p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/1. तो हमारे पास ये नंबर कैसा है? ये नंबर है हमारे पास रैशनल नंबर. उसके बाद नेक्स्ट इसमें है आपका 2 × √7 लिखा जा सकता है इसको, 7 × √7 लिख सकते हैं इसको हम. अब जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दीजिए, 7 √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? 2/7 बचेगा, और 2/7 p/q की फॉर्म में है, तो ये नंबर भी कैसा है हमारे पास? रैशनल नंबर. उसके बाद है 1/√2. 1/√2 में आप चेक कीजिए, 2 क्या हमारा एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर क्या है? स्क्वेयर रूट के अंदर है, तो ये 1 क्या हमारा? रैशनल नंबर है. तो 1/√2 मतलब ये बात तो वही होगी ना, रैशनल बाय इरेशनल. अगर रैशनल नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं किसी इरेशनल नंबर से तो भी हमारा रिजल्टेंट क्या होगा? हमारा इरेशनल नंबर. तो 1/√2 क्या है आप लिख सकते हो, 1/√2 इज इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर. उसके बाद है आपका 2 × π. पाई क्या है आपका? 22/7 लिखते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट में इसकी कैलकुलेशन कर दे 3.1415 समथिंग आपका इसके अंदर जो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आती है. तो 2 तो आपका कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है. और जो पाई है आपका वो कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है. मतलब 2 आपका रैशनल नंबर है और पाई कैसा नंबर है आपका? इरेशनल नंबर है. जब रैशनल और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लीकेशन होती है तो जो रिजल्टेंट है हमारे पास वो क्या आता है? इरेशनल नंबर. तो ये नंबर भी कैसा होगा हमारा? इरेशनल. यहाँ पे √5 की वजह से इरेशनल नंबर हो गया हमारा. ये 3 आपका रैशनल नंबर आया था, इरेशनल नंबर कट चुके थे, रैशनल आ गया था. √2 हमारा प्राइम नंबर है जो कि स्क्वेयर रूट के अंदर है, इरेशनल नंबर है, और रैशनल को अगर इरेशनल से डिवाइड किया जाता है तो हमारा क्या आता है? रिजल्टेंट इरेशनल नंबर. और मल्टीप्लाई किया जाता है रैशनल और इरेशनल को, तब भी हमारा रिजल्टेंट नंबर कैसा होता है? इरेशनल नंबर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है इन एक्सप्रेशंस को. सिंप्लीफाई मतलब अगर आपके पास कोई फॉर्मूला वगैरह है तो फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर दीजिए, अगर आप वैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर दीजिए. देखो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं a + b. ये क्या हमारा? c + d, क्योंकि कोई भी नंबर सेम नहीं है हमारा, तो a + b c + d. तो इसको सोल्व करने के लिए क्या होता है? पहले a की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर दीजिए पूरे के साथ c + d, फिर +b.
प्लस बी की मल्टीप्लिकेशन फिर से किसके साथ की जाती है, सी प्लस डी। ये सी है, ये डी है, ये बी मान लिया हमने और ये ए मान लिया। अब जो भी हमारे पास ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, ए बी सी डी जो भी आपके पास है उनकी वैल्यू क्या करनी है आपको, पुट करनी है। पुट कर दीजिए वैल्यूज। अब देखो ए क्या हमारा 3 दिख रहा है आपको, ए की वैल्यू 3 उसके बाद क्या हमारी ब्रैकेट स्टार्ट है। सी कितना है हमारे यहाँ पे, सी है 2 रख दीजिए प्लस। डी कितना है, रूट टू रख दीजिए, उसके बाद प्लस का साइन है। बी की वैल्यू चेक कीजिए √3, उसके बाद सी की वैल्यू क्या है 2, और उसके बाद डी की वैल्यू क्या है √2। अपने वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब सिंपल क्या करना आपको, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इस यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस 3 की मल्टीप्लिकेशन √2 के साथ 3√2 प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 2√3 प्लस √3 की मल्टीप्लिकेशन √2 के साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं √3 × √2। इस पूरे को हमने √ में लगा दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, √6। अब देखिए क्या होगा आपका आगे, 6 प्लस ये दोनों एड नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2 है और 3 है, तो ये नंबर हमारे एज इट इज लिखे जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, √6। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये सोल्व कर दिया हमने, इसको सिंपलीफाई कर दिया है, जो हमें नंबर दिया गया था ये आंसर हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन चेक कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी में चेक करेंगे आप, यहाँ पे है, ये है हमारा, इसको हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, इसको ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, इसको हम यूज करते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्या आइडेंटिटी है हमारे पास, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ए क्या है हमारे पास, ए कितना है लिख देते हैं साइड में, ए 3 है, और बी क्या है हमारे पास, √3 है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए अब इनकी, ए कितना आपका 3 है, 3 का स्क्वेयर, बी कितना है √3 का स्क्वेयर। अब उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या मतलब क्या है, 3 × 3, और 3 × 3 को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9। तो 9 लिख दीजिए यहाँ पे, 9 माइनस √3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट को 2 से कैंसिल कर दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा अपन 9 − 3 = 6। ये है हमारा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में चेक कीजिए, यहाँ पे भी आपको एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, √5 + √2 है। तो आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, a प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो क्या होती है आइडेंटिटी, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। a क्या है यहाँ पे, √5 है, b क्या है यहाँ पे, √2 है। तो इसको सोल्व कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, a कितना था आपका, √5 था, √5 का स्क्वेयर, b कितना आपका, √2 है, √2 का स्क्वेयर प्लस 2, a कितना है, √5 है, b कितना है, √2 है। मतलब हमने इसमें पूरी इक्वेशन के अंदर जो वैल्यूज थी हमने वो पुट कर दी है। अब उसके बाद सोल्व कीजिए, अंडर रूट और ये जो स्क्वेयर रूट है ये क्या हो जाएंगे आपका, स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पे भी स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 2 प्लस, यहाँ पे ये आपका दोनों नंबर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो स्क्वेयर रूट कितना हो जाएगा आपका, 10। तो ये भी क्या है, इसके बाद हाँ इसको हम ऐड कर सकते हैं, 5 + 2 को, इसको हम लिख सकते हैं 7 + 2√10। ये आ गया आपका आंसर थर्ड पार्ट। उसके बाद फोर्थ पार्ट में भी ध्यान से देखेंगे आप, इसमें भी आपकी एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। आइडेंटिटी क्या है चेक करें, ये है आपकी जो आइडेंटिटी अभी हमने ऊपर लगाई थी, ए प्लस बी माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, ये क्या हमारा ए प्लस बी। चेक करो ना, ए दोनों साइड सेम है, बी भी दोनों साइड पे क्या है, सेम है। लिख देते हैं साइड में, ए इज इक्वल टू √5 और बी कितना है, √2। अप्लाई कीजिए आइडेंटिटी, क्या होती है आइडेंटिटी आपकी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए की वैल्यू कितनी है, √5 का स्क्वेयर, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, √2 का स्क्वेयर। इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वेयर रूट और जो आपका स्क्वेयर है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा आपका 5, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, 2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 3। तो ये 3 क्या है हमारा यहाँ पे आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है ये, वैसे ये कुछ ज्यादा नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या दिया गया आपको कि ना, रिकॉल पाई इज डिफाइंडेड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू द डायमीटर। आपको पता है जैसे कि सर्कल है, ये क्या होता है, जो चारों तरफ की जो बाउंड्री है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम फ्रेंस, और जो डायमीटर है वो क्या है, जो आपका सेंटर है, सेंटर से जो आपकी जो सबसे लंबी कोड है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर।
रेडियस का डबल। इन्होंने ये बोला है कि जो डायमीटर है उसको डी यूज किया गया है और जो सर्कमफ्रेंस है उसको क्या यूज किया गया है, सी यूज किया गया है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो पाई है वो पाई कितना आता है हमारा, पाई की वैल्यू आती है सी बाय डी। सी मतलब सर्कमफ्रेंस और डी का मतलब क्या है, डायमीटर। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि जो हमारा पाई है वो किसके इक्वल है, सी बाय डी के इक्वल है। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो एक हमारा अपवाद निकल के आया, कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आया है। क्या है कॉन्ट्राडिक्शन, आपको पता है कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि पाई एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर आपको पता है कौन से नंबर होते हैं, जिन नंबर का जो टर्मिनेशन कभी कंप्लीट ना हो, मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। अगर पाई की वैल्यू हम सोल्व करेंगे ना तो कभी उसको हम सोल्व कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जो इन्फिनिटी तक वो वैल्यू चलती ही रहेंगी, कैंसिल ही नहीं होगी हमारी वैल्यू। तो पाई कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। हाउ कैन यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, जो कॉन्ट्राडिक्शन उठा है इसको आप कैसे रिजोल्व करेंगे। सबसे पहले देखो, उन्होंने बोला है पाई किसके इक्वल है, सी बाय डी के इक्वल है। और जो सी बाय डी क्या है, ये हम एक रैशनल नंबर दिख रहे हैं क्योंकि सी बाय डी पी बाय क्यू के फॉर्म में है, तो सी भी हो सकता है एक रैशनल नंबर हो, डी भी क्या हो सकता है, एक रैशनल नंबर हो। अगर ये हमने यहाँ पे लिख देते हैं सी एंड डी आर रैशनल, अगर सी और डी क्या है, रैशनल है, दिख रहा है ना हमें यहां से। इन्होंने बोला है कि जो सी और डी की फॉर्म में जो लिखा जाता है वो क्या होता है, रैशनल है। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करेंगे सी की वैल्यू को और डी की वैल्यू को, इन दो रैशनल नंबर की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ना पाई की वैल्यू ही आएगी। मतलब जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इनको कैलकुलेट करने के बाद, वो वैल्यू कैसी होगी, इरेशनल होगी। तो जो भी हमने ये कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है, ये क्या है, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। इसको सिंपली देखो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 26.123456, ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, रिकरिंग भी नहीं है, एक तरह से कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। आपको दिख रहा है ना, एक तरह से कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। लेकिन मैं इसको कई बार क्या करती हूं, 26 ही लिख देती हूं, ये क्या था, इरेशनल नंबर था, लेकिन मैंने इसको क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। बट एक्चुअली में है तो क्या, ये इरेशनल नंबर ही है ना, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो इसकी ये है। तो यहीं पे भी सेम हमारा यही केस हुआ है, ये दिख तो हम इरेशनल रहे हैं, ठीक है, जैसे ये नंबर हमने बना दिया है ये रैशनल दिख रहा है हमें, बट एक्चुअली में जो इसकी वैल्यू थी वो कुछ इस तरह थी, अप्रोक्स में थी, और उस अप्रोक्स की वैल्यू को हमने क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। बट एक्चुअली में क्या, ये रैशनल नहीं है, क्योंकि इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कुछ और है। तो हम बोल सकते हैं जो सी और डी जो हमें रैशनल दिख रहे हैं, अगर उनको हम कैलकुलेट करेंगे तो वो रैशनल नहीं है, वो कैसी वैल्यू देते हैं हमें, इरेशनल वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बट इफ वी कैलकुलेट सी बाय डी इट गिव्स, ये कैसी वैल्यू देगा हमें, पाई। और पाई की आपको पता है विच इज अ इरेशनल नंबर, और पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब कि जो हमारा C है और D है, चाहे तो वो क्या होंगे, दोनों के दोनों इरेशनल होंगे, चाहे क्या होंगे, एक इसमें से कोई इरेशनल होगा, एक इरेशनल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इट मीन्स आइदर C और D और बोथ आर, चाहे तो इनमें से कोई एक इरेशनल होगा, या फिर हो सकता है कि दोनों नंबर भी हमारे क्या हो, इरेशनल हो, बोथ आर इरेशनल। एक और साइड में आप इसका दूसरा भी एक कंक्लूजन है जो इसको आप बता सकते हो, क्या है वो, आप यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि हम जो भी अपनी मेजरमेंट करते हैं ना किसी भी लेंथ की, वो मेजरमेंट हम किस में करते हैं, अप्रोक्स वैल्यू में करते हैं। और जो अप्रोक्स वैल्यू है उसकी वजह से जो हमारा इरेशनल नंबर है वो हमें कैसा दिखता है, रैशनल नंबर दिखता है। सेकेंड भी आप इसका रीजन दे सकते हो, फर्स्ट रीजन में आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, सेकेंड रीजन में आप दे सकते हो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, चाहे आप ये आंसर लिखिए चाहे आप ये आंसर लिखिए, there is no contradiction, क्यों, we measure, क्योंकि जो हम measure करते हैं a length, किसी भी length को with a scale, scale के साथ we get only a only an approximate rational value. So we may not realize that either C or D is irrational. चाहे तो आप इसके लिए ये रीजन दे सकते हैं, या फिर आप ये रीजन लिख के डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
सिंपल क्या था कि हमें इरेशनल नंबर होता है लेकिन उसको हम अप्रोक्स में क्या मान लेते हैं, रैशनल मान लेते हैं, और उसी वजह से ये हमें रैशनल दिख रहा है, एक्चुअली में ये वैल्यू रैशनल नहीं है। ये था आपका कॉन्ट्राडिक्शन जो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या करना है आपको, एक नंबर गिवन है आपको अंडर रूट 9.3। इस नंबर को आपको क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको आप नंबर लाइन पे, चेक कीजिए। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक स्केल की जरूरत पड़ेगी, कंपास की जरूरत पड़ेगी, पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, उसके साथ हम यूज करेंगे। इसमें आपको दो प्रोसेस करने हैं, एक तो पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, पहले एक तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और दूसरा हमें इस क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करने के बाद, मतलब ड्रॉ करने के बाद नंबर लाइन पे, इस नंबर को हमें क्या करना है, प्रूफ भी करना है, उसको प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे ये जो हमने रूट 9.3 लिखा है, क्या ये एक्चुअल में जो हमने लिखा है वो हमारा कंस्ट्रक्शन ठीक है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी नंबर गिवन है, आपको कितना नंबर गिवन है, रूट 9.3, इसमें जो भी आपको नंबर गिवन है, क्योंकि इसके पीछे कोई यूनिट नहीं गिवन है, सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ भी है, तो इसको आप यूनिट मान लीजिए। क्या मान लेंगे आप इसको, यूनिट मान लेंगे। तो आपको जितना भी नंबर गिवन है उसकी आपको एक लाइन लगानी है, एक लाइन लगा लीजिए। कितने नंबर की लगानी है आपको, 9.3, क्योंकि आपको 9.3 को ही क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। यहां से लेकर आपका ये हो गया आपका 9.3। इसको ए मान लीजिए, उसके बाद आपका ये बी मान लीजिए, और जितने आपने ये नंबर लाइन ली है उसको एक सेंटीमीटर, मतलब एक यूनिट बढ़ा लीजिए। हर बार करना है आपको एक यूनिट इंक्रीज। एक यूनिट क्या कर लिया है, इसको हमने इंक्रीज कर लिया है, और इंक्रीज करने के बाद इस पॉइंट को हम बोल देंगे सी, सी पॉइंट। अब देखो टोटल आपके पास ये पहले कितनी थी, 9.3 थी ये नंबर लाइन आपके पास, और इसमें आपने कितना ऐड कर लिया, 1 सेंटीमीटर ऐड कर लिया। तो टोटल हमारे पास जो एसी है, एसी कितना आ गया हमारे पास, 10.3। आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तब यूज करेंगे हम। अब जो भी हमारे पास नंबर लाइन है आपको क्या करना है, इसको इसको टू, मतलब इसको आपको सेंटर लेके आना, आपको इस लाइन का सेंटर कैसे लेके आएंगे हम, यहां से आपको क्या करना है, कंपास रखना है, आधे से ज्यादा आपको कंपास को खोलना है, और आपको तो दो जगह पे मार्क लगाना है। उसी तरह आपको ए पे रखना है, ए से भी आप दो जगह पे कट कीजिए। कट करने के बाद जो भी आपकी जो सेंटर है, इस कटिंग मार्क और इसका, इसको आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसका मतलब जो आपके पास ये लाइन सेगमेंट थी उसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये आप सेंटर मान लीजिए, ओ मतलब जितना ये हिस्सा आपका उतना ही ये हिस्सा है। अब सेंटर को खोल लीजिए, मतलब आप कंपास को खोल लेंगे सेंटर पे रख के, ओ तक खोलिए आप या फिर आप सी तक खोलिए, बात आपकी वही बराबर होगी इसके अंदर। और आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है आपको, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो आपका बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट से आपको 90 का एंगल बनाना है। आप कंपास का यूज करके भी बना सकते हैं, डायरेक्ट लाइन भी खींच सकते हैं, और आप डी का यूज भी कर सकते हैं। हम डी का यूज करके बना रहे हैं। यहां पे पॉइंट आएगा हमारा 90 के एंगल का। इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फिर इसको मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे इन लाइन्स को। लेकिन आपको जो ये ज्वाइनिंग करनी है इसी के सामने, और इसको आपको जो सेमी सर्कल आपने ड्रॉ किया है उसी पे कट करना है इस लाइन। ये हो गया हमारा। तो ये जो हमने यहां पे एंगल जो बनाया है, ये कितने का एंगल है हमारा, 90 डिग्री। अब उसके बाद क्या करना है, आपके पास जो ए से बी तक जो आपके पास जो लेंथ थी वो कितनी थी, 9.3 यूनिट थी। बी से सी तक आपके पास 1 यूनिट थी। उसके बाद बी से आपने क्या किया है, एक 90 का एंगल बना लिया है यहां पे, जो कि किसको काटा, जिसने हमारे सेमी सर्कल को काटा है किसी एक पॉइंट पे। तो जो ये आपके पास बी, और यहां पे आप लिख दीजिए पी, जो हमारे पास बीपी की जो लेंथ है, ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा, रूट 9.3। इसको क्या है, ये हमारे पास, ये हमारा क्या है, पूरा ए से बी तक 9.3 है, और जो बी से पी तक की जो लाइन सेगमेंट है हमारी, ये क्या है हमारा, रूट 9.3। लेकिन इस रूट 9.3 को हमें इसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको नंबर लाइन पे, हमें क्या करना है, पहले इसको मिला लीजिए ओ और पी को, ज्वाइन कर लीजिए आप ओ को पी के साथ। ये क्या है, रेडियस।
अब देखो ये हमारा पूरा एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल पे ये हमारा क्या है, सेमी सर्कल का सेंटर है, ये भी और ये पॉइंट भी, ये दोनों क्या होंगे हमारे ओ पी और ओ सी, क्योंकि ये सर्कल के ही सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, तो ओ पी और ओ सी ये दोनों क्या होंगे हमारे इस सेमी सर्कल की रेडियस, ये लेंथ हमारी और ये लेंथ, ये दोनों लेंथ क्या हमारी, ये लेंथ भी और ये लेंथ भी, ये दोनों लेंथ क्या हमारी रेडियस है सेमी सर्कल की। उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपकी ये लेंथ है बी पी, इतना कंपास खोल के आपको मार्क लगाना नीचे तक, ये मार्क लग गया आपका। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका सी है जो पॉइंट, उसको आगे आपको बढ़ा लेना है, कहां तक बढ़ाना है, जो हमने जो भी मार्क लगाया है उसको कट करके जाए यहां तक, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया जहां पे कट किया है, डी। तो जो हमारी ये लेंथ है बी और डी, ये क्या है हमारी रूट 9.3, इसको हमने क्या कर लिया है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया है एक नंबर लाइन पे। अब देखो ये तो हमने कंस्ट्रक्शन तो कर लिया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के बाद हमें क्या करना था, हमें प्रूव करना था। अब देखो प्रूव कैसे करेंगे हम, प्रूव के लिए सबसे पहले ये जो हमारे पास एसी है, एसी कितना है हमारे पास यहाँ पे 10, मतलब एसी हमारे पास है ये पूरा, इसके अंदर ए बी और बी सी को एड करना पड़ेगा आपको, तब हमारे पास क्या आएगा एसी। हम यहाँ लिख लेते हैं AC इज इक्वल टू, देखो AC क्या है हमारा, ये यहां से यहां तक है AC, इसके अंदर क्या है AB प्लस BC, AB प्लस BC, AB कितना आपके पास, ये यहां से हमने जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी 9.3, और BC कितना हमने 1 यूनिट माना था, टोटल कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया आपका 10. कितना हो गया आपका 9.3 प्लस 1, हाँ ये हो गया आपका 10.3, क्योंकि ये 1.0 है ना हमारा, इसको ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 10.3। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, पूरा का पूरा डायमीटर आ गया इस सेमी सर्कल का, लेकिन हमें यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की लेंथ, ये क्या होगी, ये भी रेडियस होगी और ये भी क्या होगी रेडियस, हमें क्या निकालनी है रेडियस, रेडियस कितनी है डायमीटर की क्या होती है हाफ, तो कितना है हमारे पास डायमीटर 10.3 है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा हाफ करना पड़ेगा, हमारे पास क्या आ जाएगी रेडियस, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.15 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी यूनिट नहीं गिवन है सेंटीमीटर मीटर, तो इसको हम सिंपली क्या लिख लेंगे यूनिट ही लिख लेंगे इसको हम। अब उसके बाद क्या है आपका, आपके पास रेडियस आ चुकी है, इसका मतलब जो आपकी ये लेंथ है यहां से यहां तक, ये कितनी, ये रेडियस ही है और ये लेंथ भी क्या है रेडियस, तो इसको आप 5.15 लिख सकते हो, और ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये भी क्या आपकी 5.15। अब उसके बाद मुझे इस ट्रायंगल को सोल्व करना है, इस ट्रायंगल के अंदर ये ओ बी बी पी, ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के हम अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो इस ट्रायंगल को हमें चेक करना है, इसकी हमें दो साइड पता है और इसकी हमें तीसरी साइड निकालनी है। अब देखो दो साइड कौन सी पता है, एक तो मुझे पता है ये पूरा क्या है रेडियस है, और एक मुझे पता है ये यहां से यहां तक पूरा रेडियस था, इसमें से ये एक्स्ट्रा कितना है 1 है, अगर मैं इसमें से इस पूरे में से 5.15 में से अगर 1 को माइनस कर दूंगी सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा ओबी आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो ओबी क्या होगा पूरे ओसी में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको बीसी को, और ओसी क्या पूरी रेडियस ही आपके पास 5.15 और बीसी कितना आपके पास 1, अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.15, इसका मतलब जो यहां से लेकर जो यहां तक की लेंथ है हमारे पास कितनी आ गई है 4.15। अब हमारे पास जो भी ये 90 का एंगल होता है इसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है, और ये हमारा क्या होगा बेस, और ये क्या हमारा ये जो बीपी लेंथ है ये क्या है परपेंडिकुलर। अभी हम क्या करेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये साइड पता है हमें, ये साइड पता है हमें, और ये साइड निकालनी है, और हमें पता है ये साइड हमारी कितनी है रूट 9.3, यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में तो हमने कर लिया, यही हमें प्रूव करना है कि जो हमारा बीपी है वो कितना है रूट 9.3। कीजिए अब आगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बोला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज चेक कीजिए कितना आपके पास 5.15 स्क्वायर लेना आपको, बेस कितना आपके पास, बेस ये है ना आपका ओ बी 4.15 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बीपी जो हमें निकालना है बीपी का स्क्वायर, इसको आप एक्स भी मान सकते हो। अब उसके बाद इसको आप इस साइड ले आएंगे लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा आपका इज इक्वल टू बीपी होल स्क्वायर। अब आपके पास एक
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म आ चुकी है। ये क्या हमारा ए स्क्वेयर और ये क्या है बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी पी स्क्वेयर। इसको हम क्या कर सकते हैं ए प्लस बी आइडेंटिटी है ना हमारे पास ये ए माइनस बी लगा सकते हैं। अब देखो ए कितना हमारे पास ये है और बी कितना हमारे पास ये है तो कीजिए इसको सोल्व 5.15 प्लस 4.15 5.15 माइनस 4.15 इज इक्वल टू बी पी स्क्वेयर। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आएगा 9.30 और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास 1.00 9.3 और को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 9.3 इज इक्वल टू बी पी स्क्वेयर। अगर इसका अगर हम स्क्वेयर रूट हटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे हमें स्क्वेयर रूट करना पड़ेगा अनरूट करना पड़ेगा यहाँ पे इसका स्क्वेयर हटाने के लिए स्क्वेयर ये था ना हमारे पास इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो बीपी है वो कितना आ गया हमारे पास बीपी आ गया आपका 9.3 और हमें क्या करना था हमें बीपी को ही सोल्व करना था जिसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 9.3 यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूव कर दिया हमने। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से कर लेना आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आराम से आ जाएगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन आपका कि इस क्वेश्चन में आपको रैशनलाइजेशन करना है किसको रैशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर को। अब देखो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज डिनोमिनेटर क्या होता है आपका जो क्यू की फॉर्म में होता है जो क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है तो इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या होता है जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होता है और उसी नंबर से आपको डिवाइड करना होता है तो इसको कीजिए उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखिए इसमें 1/√7 है तो इसको हमें क्या करना है एंड √7 से ही मल्टीप्लाई करना है एंड √7 से ही हमें क्या करना है इसको डिवाइड करना है। 1 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 ही आ जाएगा आप और इसको करोगे तो √7 का स्क्वायर क्योंकि दो बार है ना तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √7/7। ये आ चुका है हमारे पास आंसर। हमें क्या करना था रैशनलाइजेशन करनी थी रैशनलाइजेशन का मतलब जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको हमें क्या करना है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना और उसी नंबर से डिवाइड अगर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है रैशनलाइजेशन ही करना है आपको तो इसमें क्या करना है अगर अभी तो आपके पास क्या थी एक ही डिजिट थी लेकिन अगर आपके पास दो डिजिट हो और उसके बीच में जो साइन है आपको साइन को ध्यान में रखना है अगर आपका नेगेटिव साइन है तो आपको पॉजिटिव यूज करना है रैशनलाइजेशन करने के लिए अगर पॉजिटिव है तो आप क्या यूज करेंगे नेगेटिव यूज करेंगे तो कीजिए इसको √7। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव था तो आपको यहाँ पे कौन सा साइन लगाना है पॉजिटिव √6 डिवाइड बाय √7 + √6। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम इसकी 1 से मल्टीप्लीकेशन के बाद ये सेम ही रहेगा √7 + √6। अब इसमें क्या होगा ये दो बार है स्क्वेयर लिखा जाएगा ये दो बार है स्क्वेयर लिखा जाएगा मतलब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म आ जाएगी हमारे पास √7 2 - √6 2। स्क्वेयर रूट स्क्वेयर से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं √7 + √6। नीचे क्या बचेगा हमारा 7 - 6 और इसको हम आगे सोल्व करेंगे 7 - 6 मतलब 1 तो √7 + √6 डिवाइड बाय 1 और 1 को लिखिए या नहीं लिखिए एक ही बात है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट में भी आपको रैशनलाइजेशन ही करना है। इसमें क्या करना है आपको अब साइन चेक करना है सबसे पहले आपको रैशनलाइजेशन करने से पहले साइन का आपको चेंज करना होता है इसके अंदर तो कीजिए √5 - √2 डिवाइड बाय √5 - √2 यही आपका सेम नंबर से मल्टीप्लाई और आपको डिवाइड करना है बस आपको साइन क्या कर देने हैं साइन चेंज कर देने हैं। ये करने के बाद क्या होगा 1 की मल्टीप्लीकेशन इससे होगी तो आपका सेम ही आएगा नंबर। उसके बाद यहाँ पे क्या आपका दो बार है ये नंबर भी क्या है दो बार है तो मतलब a + b a - b मतलब एक तरह से हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी आ गई है a² - b² तो इसको हम लिख सकते हैं √5² - √2² लिख सकते हैं ना यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आप साइड में लिख लीजिए a² - b² आइडेंटिटी यूज किए जो कि a + b और a - b होता है। अब इसको चेक कीजिए तो क्या होगा आपका √5 - √2 यहाँ पे क्या होगा आपको इसको कैंसिल कर देगा इससे कैंसिल कर देगा आपको कैंसिल करके दिखाने की जरूरत नहीं आप सिंपल इसको अंडरस्टूड करना कि इसको इससे कैंसिल हो जाएगा आपका स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर तो इसको हम लिख सकते हैं 5 - 2 तो उसके बाद आएगा आपका सोल्यूशन करने के बाद ऊपर वाला नंबर एज इट इज बचेगा आपका 5 - 2 = 3 तो ये क्या आ गया आपका आंसर रैशनलाइजेशन कर दिया आपने। उसके बाद जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है इसके अंदर भी क्या है फोर्थ पार्ट के अंदर भी आपको रैशनलाइजेशन ही करना है तो रैशनलाइजेशन करने के लिए आपको वही सेम नंबर चेक करना है मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करने के लिए तो इसको कीजिए फिर सोल्व
इसमें है आपका 1/√7 − 2। अब इसमें एक ही नंबर में देखो, पीछे यहाँ पे हमारे पास इस नंबर में चेक कीजिए, यहाँ पे क्या था, दोनों ही नंबर हमारे क्या थे, रूट के अंदर थे, लेकिन यहाँ पे क्या हमारे पास एक नंबर रूट के अंदर है और एक नहीं है। तो कीजिए रैशनलाइजेशन, √7 साइन चेंज कीजिए प्लस 2, फिर से लिखिए इसको √7 + 2, 1 की मल्टीप्लीकेशन यहाँ और इसकी मल्टीप्लीकेशन यहाँ। सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद √7 + 2, और यहाँ पे सोल्व करोगे तो आप आएगा √7² − 2² फिर सोल्व करेंगे इसको आगे कंटिन्यू √7 + 2, और इसको सोल्व करेंगे कैंसिल हो जाएगा 7, लेकिन यहाँ पे स्क्वेयर रूट नहीं है, यहाँ पे 2 का ओनली क्या है हमारे पास स्क्वेयर है। यहाँ से ध्यान रखना आपको, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 का स्क्वेयर है, तो 2 का स्क्वेयर कितना होता है हमारे पास 4। तो आगे सोल्व करेंगे इसको √7 + 2 डिवाइड बाय 7 − 4, 7 − 4 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3, ये आ गया आपका आंसर। Thanks for watching.